कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है पहले अपन उस पर डिस्कस करते हैं और किस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं वो देखते हैं। देखिए रिमाइंडर थ्योरम मींस क्या पहले समझ लीजिए। जैसे सपोज क्वेश्चन है 23 पावर 167 डिवाइडेड बाय 13, फाइंड रिमाइंडर। ओके, अब ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को देख के एक बात तो क्लियर है कि हम इसको सॉल्व करके तो नहीं निकालने वाले कि 23 में पहले आप 167 का डिवाइड करो और फिर रिमाइंडर निकालो, पॉसिबल नहीं कि 23 की पावर 167 सॉल्व किया फिर रिमाइंडर निकाला, ऐसा नहीं। तो इसमें करते क्या है वो बता रहा हूं। पहले हम उन पहले बेसिक क्वेश्चंस को करो आप। जैसे 2 पावर 10, राइट डाउन, 2 पावर 10 डिवाइडेड बाय 5, फाइंड रिमाइंडर। सबसे पहले वो क्वेश्चन करो जिनके आंसर्स आपको ऑलरेडी पता हो, जिससे आपका बेस बने, फिर रिमाइंडर थ्योरम को यूज करो। तो मेरा क्वेश्चन है 2 पावर 10 डिवाइडेड बाय 5, तो 2 पावर 10 कितना होता है 1024। 1024 में यदि मैं आपसे कहूं कि 5 को डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4। यस और नो? या मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया कि 3 पावर 6 डिवाइडेड बाय 13, फाइंड रिमाइंडर। आप पहले बताइए 3 पावर 6 कितना होता है, 3 पावर 6 कितना होता है, 729। 729 डिवाइडेड बाय 13, है ना, तो 13 5 65 और कितना जाएगा 7, 13 6 78, तो रिमाइंडर कितना आया 1। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे इसलिए इजीली कर पाए। अब जब यही क्वेश्चंस में पावर्स बढ़ जाएंगी, जैसे 13 पावर 266, 2 पावर 1497, तो इस केस में हम रिमाइंडर थ्योरम को यूज करेंगे। कैसे वो देखो, सपोज मेरा क्वेश्चन है 13 पावर 67 डिवाइडेड बाय 9, फाइंड रिमाइंडर। ओके, तो इसको ऐसे करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे 13 पावर 1। अब बताइए अगर 13 में 9 का डिवाइड करें तो क्या होगा, 4 आएगा। तो इसको ऐसा लिखेंगे 13 पावर 1, ये आ गया 4 mod 9। इस सिंबल का मतलब यह है कि 13 में जब आपने 9 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर शुड बी 4। ओके, और बेसिकली हम रिमाइंडर थ्योरम में इस कंसेप्ट को यूज करते हैं, a पावर m प्लस n, है ना, याद, a पावर m अपॉन a पावर n। ये ध्यान रखना 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर, 2 पावर 5, 2 पावर 6 मत लिखना। तो बस इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। जैसे ये 13 पावर 1 लिया अपन ने तो 4 mod 9, एक बार और ले लीजिए 13 पावर 1 बोलिए 4 इंटू 4। इस प्लेस पर याद रखना आप, ये जो प्लेस है इस पर या तो इसका रिमाइंडर लिखोगे या सेम नंबर जो LHS में ट्रांसफर किया, तो यहां आ गया mod 9। अब 4 इंटू 4 कितना, 16 mod 9। अब 16 9 से बड़ा है तो जिस नंबर से डिवाइड कर रहा है रिमाइंडर से बड़ा नहीं होगा, तो अगेन 9 का डिवाइड कर दो, तो करो तो कितना आ गया, अच्छा यहां पे पावर ऐड कर दो तो 13 का स्क्वायर आ गया 7 mod 9। ओके, इस प्रोसेस को हम जब तक बढ़ाते हैं जब तक कि 67 ना आ जाए, और 67 बहुत जल्दी आ जाता है, कैसे वो बताता हूं। जैसे अगर हम अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो बताइए क्या होगा, 13 का क्यूब, यहां पे 2 प्लस 1, यहां पर इनके रिमाइंडर्स का मल्टीप्लाई होगा, तो 4 7 28 mod 9 डिवाइड किया तो 13 पावर 3 पर आ गया 1 mod 9, राइट, आगे जाके सब लिखना छोड़ देना, तो 13 पावर 3 पे आ गया 1। बेसिकली आपको ये ट्राई करना चाहिए कि किसी तरह रिमाइंडर 1 मिल जाए, और सबसे अच्छी बात यह कि 99% क्वेश्चन में 1 मिल जाता है रिमाइंडर, एक्सेप्ट कि ये इवन और ये इवन हो तो 1 नहीं मिलेगा,
मतलब बेस इवन हो इसका और ये इवन नंबर हो जिससे डिवाइड करो, तो वन नहीं मिलेगा, अदरवाइज वन आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। और वन के बाद हम जनरलाइज कर सकते हैं, कैसे, थ्री पे वन है तो बताओ 13 पावर 3 इंटू 13 पावर 3 एक बार और ले तो 1 इंटू 1 बोलो तो वही आया ना। 13 पावर 6 पे भी कितना आया, मतलब 3 के हर मल्टीपल पे 1 होगा, 3, 6, 9, 12 तो आप देखो 67 में लास्ट 3 का मल्टीपल क्या होगा, 60, 63, 66 तो आप बिल्कुल 13 पावर 66 तक तो 1 लिख दो। अब एक 67 की रिक्वायरमेंट है तो एक 13 का मल्टीप्लाई और कर दो तो 13 पावर 1 इंटू 13 पावर 66। अच्छा 13 पावर 1 का रिमाइंडर है आपके पास 4 और इसका है 1 तो नेट रिजल्ट इज 4। तो आंसर क्या आ गया आंसर आ गया 4 है ना, क्या आ गया आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23 पावर 179 डिवाइडेड बाय 7 एंड फाइंड रिमाइंडर। 23 पावर 179 डिवाइडेड बाय 7 फाइंड रिमाइंडर। क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे 23 पावर 1 से। ओके तो 23 पावर 1 में 7 का डिवाइड किया तो 7 3 21 तो रिमाइंडर क्या आया 2 mod 7 राइट। ये सिंबल है केवल, याद रखना आप 23 में जब आपने 7 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2। अब इस प्रोसेस को कंटिन्यू करो 23 पावर 1 इंटू 23 पावर 1 2 इंटू 2 बोलिए 4 तो 23 पावर 2 पर आ गया 4 mod 7 यस और नो। अब अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा बताइए, 23 पावर 1 इंटू 23 पावर 2 4 2 8 mod 7 तो 23 का क्यूब और ये 1 mod 7 तो बाई चांस इस क्वेश्चन में भी 3 पावर पे 1 मिल गया। अब इसका लास्ट 3 का मल्टीपल देखना है तो लास्ट 3 का मल्टीपल देखना तो सिंपल 179 डिवाइडेड बाय 3 तो 3 5 15 2 है ना, 3 9 27 तो रिमाइंडर कितना आया 2 यानी 177 तक आप 1 लिख सकते हैं यस और नो। अब 2 की रिक्वायरमेंट और है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 23 की पावर 177 और ये 2 तो 179 यहां पर हुआ 1 इंटू 4 तो नेट इज 4 तो ये आ गया 4। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्टीन पावर 223 डिवाइडेड बाय 19 थर्टीन पावर 223 डिवाइडेड बाय 19 क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 पावर 223 डिवाइडेड बाय 19 क्वेश्चन में मैंने जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं वो छोटा लिया और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो बड़ा लिया, वो इसलिए लिया है कि इज नॉट नेसेसरी कि हम 13 पावर 1 लें, इनफैक्ट वो भी एक कंसेप्ट होता है अभी नेगेटिव वाला शॉर्टकट बताऊंगा, पर अभी हम यहां पर चाहें तो 13 स्क्वायर से स्टार्ट कर सकते हैं। इनिशियल पावर आप वो लेंगे जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो उससे बड़ा हो ओवरऑल रिजल्ट, ठीक है, और अभी शॉर्टकट आएंगे तो 1 पावर से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो 13 स्क्वायर लिया तो कितना आया 169 और 169 में जब आप 19 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, अरे आप इसको करोगे 19 8 जा 152 और 19 9 जा 171 तो 171 से कम है तो 19 8 जा हुआ ना तो क्या आया 17 mod 19 यस और नो। अब ये फिगर थोड़ा बड़ा हो रहा है तो इसका एक तरीका और बता रहा हूं शॉर्टकट, आप चाहते तो 13 पावर 1 से भी स्टार्ट कर सकते थे। अब 13 पावर 1 में 19 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा -6 ये माइनस कैलकुलेशन को रिड्यूस करता है -6 अरे 13 माइनस 19 कितना होगा -6 ये केवल कैलकुलेशन के लिए रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता
कैलकुलेशन, जैसे मैं 13 स्क्वायर लू, देखिए क्या होगा, 13 टू जा वो सॉरी माइनस 6 इंटू माइनस 6 36। अब 36 में मैं बोलू 19 का डिवाइड करो तो बोलो क्या आएगा, 19 बन जाए 19, तो 17 मॉड 19। आप देखो यहां पर भी वही लिखा आपने, पर यहां पर पहले तो आपने इसका स्क्वायर किया फिर डिवाइड किया, तो अभी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो निगेटिव कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर देगा आप। तो अब आ गया 17, अब इस 17 को मैं फिर करूंगा तो 289 ज्यादा बड़ा होगा, तो बेटर है कि मैं लिख लू माइनस 2 मॉड 19। ओके, माइनस 2 मॉड 19। अगर हम 13 की पावर 4 ले लें, सपोज 13 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर, तो यहां बोलो माइनस 2 इंटू माइनस 2 मॉड 19, यानी 4 मॉड 19। जबकि आप यहां पर 17 इंटू 17 करते तो 289, 289 में 19 का डिवाइड करते तो टाइम लग जाता, पर इसमें टाइम नहीं लगा। तो 13 पावर 4 पे कितना आ गया बोलो, 13 पावर 4 पे आ गया 4 मॉड 19। अच्छा, 1 कैसे आएगा उसके लिए थोड़े से लॉजिक्स को आपको यूज करना है प्रैक्टिस। अब जैसे अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इन दोनों को, तो बताओ क्या होगा, माइनस 24। तो 13 पावर 5 पे मिला आपको माइनस 24 मॉड 19, यानी माइनस 5 एक तरह से, क्यों, यस और नो। अब अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, हाँ इनको 4 को और इनको, तो 13 पावर 9 पर मिला माइनस 20 मॉड 9 या माइनस 1 मॉड 9, राइट, माइनस 1। अच्छा, माइनस 1 को जनरलाइज मत करना, क्योंकि माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस होता है फिर माइनस माइनस हो जाता है, केवल विनस प्लस 1 को जनरलाइज करेंगे। तो अब 19 पावर डबल कर दो इसका 18, तो 19 पावर 18 पे मिल गया 1 मॉड 9। तो 1 किस पावर में मिलेगा, इज नॉट नेसेसरी, पर मिल जाएगा आपको, क्यों, 9, हाँ बेस 13, बेस तो आप कुछ भी लिख दो उससे कुछ, मतलब यहां पर आप ए लिखने लगो तो भी चलेगा, तो एक पहले इनिशियल जरूरत पड़ती है। तो 13 पावर 18 पे क्या आ गया, 1 मॉड 19। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको 18 पावर पे 1 मिला, तो अब इसका जनरलाइज करो, तो देख लो 18 का डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर रहा है बस उतनी एक्स्ट्रा पावर्स की जरूरत है, तो 223 में आपने 19 का डिवाइड किया 18 का, करो तो बोलो 18 बन जाए 18, 4, 18 टू जा 36, तो कितना 7, तो आप इसका मतलब इसमें 7 कम कर दो तो 16, यानी 13 पावर 216 तक तो 1 मिल गया, यस और नो। अब एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है 7 की, तो 7 कहां से मिलेगा, तो 7 के लिए देखिए आपके पास क्या क्या रिजल्ट है, आपके पास है 4, बल्कि आपके पास 5 है और 2 है, क्यों ना इन दोनों को कर दे, तो इन दोनों को किया, सॉरी इन दोनों को, तो 13 पावर 2 इंटू 13 पावर 5, तो माइनस 2 इंटू माइनस 5 10, बस यही आंसर होगा। अब उसको वहां ले जाके मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो कर दो, बट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि 1 इंटू 10 करोगे तो 10 ही आएगा। तो ये आ गया 13 पावर 216 इंटू 13 पावर 7, नेट रिजल्ट इज 10 मॉड 19। तो निगेटिव का यूज है कैलकुलेशन को रिड्यूस करना, निगेटिव यूज करोगे तो बहुत कम टाइम में कैलकुलेशन कर सकते हो और निकाल सकते हो।